नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकिंग डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे कट किया है। इसकी पूरी लंबाई ली है 14.5 इंच, 13.5 इंच तैयार रखेंगे। 34 साइज का ब्लाउज है और शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल भी लिया है 6 इंच। अब हमें गले की कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई ले ली है हमने 3 इंच, मटके गले का डिजाइन है, चौड़ाई 1/2 इंच बढ़ा कर लिया है, 3 इंच लिया है। गहराई ली है इसकी 10.5 इंच, 10.5 इंच इसकी गहराई लेते हुए इस तरह से मटकी गले का शेप दे देंगे। उसके बाद यहां से लेंगे 1 इंच और इस वाली साइड से लेंगे 1/2 इंच। अब यहीं से देखिए नीचे की तरफ मोड़ लेना है और नीचे 1 इंच हम छोड़ देंगे। ब्लाउज का जो बॉर्डर है पतला बॉर्डर है तो 1 इंच उसके लिए छोड़ा है नीचे की तरफ, बॉर्डर लगाएंगे डिजाइन तैयार होने के बाद। मार्क दूसरी तरफ भी कर दिया है। उसके बाद कपड़े को फैलाकर रखेंगे, ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल बराबर से फैला लेंगे और एक चाहे तो एक पिन लगा दें ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। उसके बाद जहाँ से गले का निशान है वहीं से पूरे गले पर सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कट करेंगे, उसके बाद कट लगाएंगे, पूरे ही गले पर इस तरह से कट लगाने हैं। तो इस तरह कट लगाने के बाद इसको पलटना है अंदर की तरफ और अच्छे से बनाते हुए गले के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे। तो इस तरह गला हमने तैयार किया। उसके बाद अब डिजाइन बनाएंगे, उसके लिए पहले 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने सिलाई पर लगा ली है, अब इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो इस तरह सीधा करने के बाद इस पर प्रेस कर लें, उसके बाद कट कर लेना है हमें 2-2 इंच की। अब इसमें हम मोतियां डाल देंगे। आप सभी में एक एक मोती डालना है। तो इस तरह से हमने इसमें मोतियां डाल ली है। 5 डिजाइनें इस तरह से हमें ले लेनी है। अब देखिए यहां पर ये जो कट लिया है गले के नीचे जो 1 इंच का काट लिया है उस पर इन डिजाइनों को भरना है। इस तरह से लगा देंगे दोनों तरफ से बराबर से मिलाते हुए। यहाँ पर देखिए हमने सभी डिजाइनों 5 डिजाइनें यहाँ पर इस तरह से लगा दी है। अब ऊपर गले पर जो डिजाइन रखेंगे उसे तैयार करेंगे।
तो इस तरह से कपड़ा कट किया, एक ढाई इंच का लिया है, एक डेढ़ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो एक दो इंच का ले लीजिएगा, एक ढाई इंच का। और इस तरह से अब देखिए जो छोटे वाले साइज का जो की जो डिजाइन है उसे ऊपर रखेंगे और जो बड़ी वाली कपड़े पर ली है उसे नीचे रखते हुए इस तरह दो दो डिजाइने लगा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से रखते हुए गले पर इसे सेट करना है, गले वाली साइड से दो पॉइंट दूरी रखते हुए इस तरह लगाएंगे। अब यहाँ तक लगाना है, उसके बाद इस साइड डिजाइन जो बीच में डिजाइन बनाई है उसके दोनों साइड से गले पर इस तरह लगाना है। अब यहाँ पर कट की हमने और एक पट्टी, इससे हम और एक पट्टी तैयार करेंगे। तो और भी कपड़ा कट करना है पहले, उसके बाद देखिए जितनी चौड़ी रखनी है उस हिसाब से कट कर लेना है। ज़्यादा चौड़ी यहाँ पर नहीं लगेगी, गले पर लगाना है तो उस हिसाब से हमने सिलाई इस पर डाल दी है। अब इसे पलट कर सीधा करेंगे। अब देखिए इस तरह से पट्टी को लगाना है, जहाँ तक ये डिजाइने बनाई है वहीं तक ये पट्टी लगेगी। ज़्यादा इसे खींचते हुए नहीं लगाना है, बिल्कुल अच्छे से बिठाते हुए इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पर पट्टी को कट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस डिजाइन के ऊपर नहीं लाना है, जहाँ तक है ये गला वहीं तक इसे लगा देना है। बाहर वाली तरफ से भी पट्टी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये इस साइड से हमने लगा दिया है, दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमने पट्टियाँ लगा दी है। अब हमें क्या करना है, गले पर लगानी है एक एक मोतियाँ। पूरे डिजाइन पर हम एक एक करके इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे पर हमें मोतियां लगा लेनी है। तो इस तरह देखिए हमने पूरे डिजाइन पर मोती लगा दी है। नीचे वाली तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे, तो अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई इस तरह से लगा दी है। अब यहाँ पर लिया है बॉर्डर, तो इस तरह इसका पतला बॉर्डर है, जितना चौड़ा बॉर्डर है उतना ही हमने नीचे एक इंच छोड़ा था। अब यहाँ पर यह आधा इंच, एक इंच से बॉर्डर की चौड़ाई कम है। थोड़ा सा कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद बॉर्डर लगा दिया। इस वाली साइड से हल्का सा हमें इसे मोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह हमने बॉर्डर को लगा दिया है। उसके बाद अब डिजाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। अब लास्ट में इसका जो है हम प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह मटके गले का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी स्लीव का भी डिजाइन अगले वीडियो में शेयर करेंगे, तो दोनों देखना है मैचिंग का, तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये डिजाइन अगर हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।